अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस कमल। आज हमारा उन्वान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जो कि हमारे नबी हैं, ठीक है, और हमें उनके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम अहम अल्फाज पढ़ेंगे इस सबक में, जो अहम अल्फाज हैं उनके बारे में जानेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इसके मायने हैं तारीफ, तारीफ करने वाला, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के बाद जिसकी तारीफ की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इसके मायने हैं तारीफ किया गया, तारीफ करने वाला, ठीक है। आप सल्लम की ही तारीफ है सारी, ठीक है। इबादत, इबादत मतलब अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, ठीक है। नाजिल, नाजिल मतलब उतारना, नाजिल का क्या मतलब है? उतारना आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से जो भी पहले जो भी नबी आए उन सब पर अल्लाह पाक ने क्या नाजिल की? वही, वही मतलब, वही मतलब भेजना, नाजिल करना, तो आप सल्लम पर वही नाजिल होती थी, ठीक है। पैगाम, पैगाम मतलब जबानी या तहरीरी बात, जबानी या तहरीरी बात मतलब अपना पैगाम जबान के तौर से पहुंचाना या लिख कर पहुंचाना। सादिक, सादिक में सच्चा, सच्चा यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जो दुश्मन भी होते थे ना, वो भी आपको सादिक मानते थे, यानी कि सच्चा मानते थे, ठीक। आज हम सबक में पढ़ेंगे कि हसन और आमना जो दो बच्चे थे, वो अपनी दादी से अच्छी अच्छी रोजाना बातें सुनते थे, और आज भी वो अपनी दादी का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही दादी अपनी नमाज से फारिग होती हैं तो हम उनसे आज कोई अच्छी बात सुनेंगे। फिर जब दादी नमाज असर पढ़ के फारिग हुई तो दोनों बच्चे दादी के पास आकर बैठ गए। फिर हसन ने दादी से पूछा, हसन ने दादी जान से कहा कि दादी आज आप हमें कौन सी बात बताएंगी, अच्छी बात बताएंगी। तो दादी जान ने कहा, बेटा आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको उनकी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नाम है, वो तो वैसे तो बहुत सारे नाम है उनके, लेकिन एक जो बहुत अच्छा नाम है, जो एक खास नाम है, वो है मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही हसन ने अपनी दादी जान को बताया कि उनकी जो उनकी जो टीचर थी, उन्होंने बताया कि जब भी प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम आए तो उनके साथ दुरूद पाक यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जरूर बोलना चाहिए। तो इसलिए ये हमें भी चाहिए, जब भी हम नबी पाक का नाम सुने, कोई सा भी नाम सुने, तो उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जरूर बोलना चाहिए।